हेलो स्टूडेंट्स और स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में अपन रिव्यू करने वाले हैं जी एक प्राइवेट कॉलेज की जो कि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ वेस्ट बंगाल है। नाम आपकी स्क्रीन पे दिख गया होगा, दैट इज आपका हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, पूरा रिव्यू करेंगे अपन कंप्लीट, जिसमें अपन कट ऑफ के बारे में, इस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर क्या होती है, इस कॉलेज का प्लेसमेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सभी डिटेल्स में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर पहली बार आए होगे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, और नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां आप जाके हमें ज्वाइन कर सकते हो, ताकि जो भी रेगुलर अपडेट्स आए ना WBJEE के दौरान हम आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बात करेंगे HIT कोलकाता, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कोलकाता क्यों बोल रहे भैया? क्योंकि कोलकाता में है। ठीक है, अच्छा, कौन कौन से पॉइंट पे बात करेंगे अगर मैं सबसे पहले देख लूं तो सबसे पहले अपन ओवरव्यू देखेंगे, फिर कनेक्टिविटी की बात करेंगे कि आखिर में कैसे जा सकते हैं इस कॉलेज में, क्या रूट फॉलो करके आपको इस कॉलेज में जाना होगा। ठीक है, कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है भैया ये, देन आफ्टर अपन मोड ऑफ एडमिशन, देन कट ऑफ पे बात करेंगे, फीस, प्लेसमेंट, इतने सारे पॉइंट्स मैंने कवर किया वीडियो में, तो हो सकता है थोड़ा लेंदी हो जाए, तो आप प्लीज स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना। ठीक है, ये कंटेंट सभी रेडी करने में ना आप लोगों के लिए बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज आपका प्यार बना रहेगा ना तो हमें यार काम करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर बेस्ट कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर देना। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ओवरव्यू की बात करें तो सबसे पहले मैंने बता दिया ये कॉलेज प्राइवेट है। ठीक है, थोड़ा सा फोटो भी मैंने आपको दिखा दिया तो आपको दिख गया होगा कितना सुंदर दिख रहा है हेरिटेज। ठीक है, अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करो तो 2001 का ये कॉलेज है, तो पुराना कॉलेज है। ठीक है, अच्छा, अगर जल्दी से मैं इसके एड्रेस पे बात करूं तो आनंदपुर में है ये कॉलेज, कोलकाता टाउनशिप में है, पिनकोड आप सब भी चीज देख सकते हो। सबसे बेस्ट बात बताऊं, ऑटोनोमस कॉलेज है। इसका क्या मतलब होता है भैया? मतलब जो एग्जाम्स होंगे इसके अंदर, जो भी इंटरनल एग्जाम्स होंगे, सभी आपके कॉलेज के टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, सभी कॉपी चेकिंग सब चीज कॉलेज में ही, सारा एग्जाम्स वगैरह सब कॉलेज कंडक्ट करेगा, तो ऑटोनोमस है। ठीक है, अच्छा, अगर NIRF रैंकिंग की बात करें तो 2022 में इसका 201 से 250 के बीच में रैंक है। NIRF थोड़ा सा पीछे चला गया 2022 में, NIRF से उतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, बात करते हैं जल्दी से कनेक्टिविटी के ऊपर, तो 18 किलोमीटर फ्रॉम हावड़ा रेलवे स्टेशन। अब देखिए, हावड़ा रेलवे स्टेशन थोड़ा फेमस है वेस्ट बंगाल के अंदर, तो उससे ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है, और 12 किलोमीटर आपको सिल्दा रेलवे स्टेशन से है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये 21 किलोमीटर है। ठीक है, आप सभी यहाँ पे कनेक्टिविटी देख सकते हो, मैंने सभी डिटेल्स में बता रखे। ओके, चलिए मूव करते हैं जल्दी से मोड ऑफ एडमिशन के ऊपर। तो भैया 80% सीट्स तो फिल होते हैं WBJEE के थ्रू, मतलब WBJEE एग्जाम के अंदर आपको रैंक करना पड़ेगा अच्छा रैंक। अगर आपकी मैथ्स की तैयारी ठीक नहीं है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जिसमें मैं क्रैश कोर्स WBJEE का मैथ्स का करा रहा हूं, उसका आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट और टेलीग्राम चैनल चेक कर लेना, अनअकैडमी पे भी मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं WBJEE रिगार्डिंग मैथ्स के, वहां भी जाके आप सभी लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। ओके, अच्छा, 10% सीट जो होंगे वो JEE मेन द्वारा फिल होते हैं, और रिमेनिंग 10% भैया ये क्या होता है, मैनेजमेंट कोटा। मतलब अगर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होता ना, तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हो। वो कैसे होगा भैया? नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा होगा ना आपको स्क्रीन पे, वहां कॉल कर लेना, सभी जानकारी आपको डिटेल में दे दी जाएगी। ठीक है, अच्छा, और बात करें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करेगा, तो ये इतने सारे कोर्सेज ऑफर करता है, आप एक बार प्लीज वीडियो पॉज करके, मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी लोगों से कि प्लीज एक बार देख लो। अच्छा, मैं एक बार बता देता हूं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस कौन कौन से प्रोवाइड करता है, डेटा साइंस, AIML, CSBS, इतने सारे ब्रांच। ठीक है, और IoT ब्रांच भी ये प्रोवाइड करता है। ओके, चलिए अब मूव करें, पता है किस चीज पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज आपका कट ऑफ। कट ऑफ पे बात करते हैं कि आखिर में क्या रैंक करना पड़ेगा आपको WBJEE के अंडर। ठीक है, इट इज फॉर WBJEE, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ना 4K के अंडर रैंक करना पड़ेगा CSE के लिए, और TFW तो थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि फी नहीं देना होता ना आपको। ठीक है, अच्छा, IT की बात करूं तो वही 5K to 6K के अंडर आपको क्लोज हो जाता है। EC की बात करूं तो लास्ट ईयर थोड़ा सा पीछे गया, लेकिन अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हो ना तो 10K के अंडर रैंक कर जाना। ओके, सेफ जोन, फॉर सेफ जोन। ठीक है, 13K यहाँ पे कट ऑफ बताया हुआ है, तो वीडियो को पॉज करके ये सभी चीजें आप अच्छे से देख सकते हो। ओके, चलिए अब मैं मूव करता हूं फी स्ट्रक्चर के ऊपर। बहुत सस्ता कॉलेज है, इसका फी बाकी सभी के फी के कंपेयर में बहुत कम है,
दैट इज ओनली 3,93,000, मतलब 4 लाख के अराउंड आपको इसका फी है हेरिटेज का। और आप फर्स्ट सेमेस्टर फी, सेकंड सेमेस्टर, सभी फी आप यहाँ पे देख सकते हो। सेमेस्टर वाइज मैंने फी बताया है, ठीक है। मेरे पुराने वीडियोस भी हेरिटेज के रिव्यू पे अवेलेबल है, बट वो उतना डिटेल में नहीं है और मैं बहुत सारी चीजों को कवर नहीं भी कर रहा हूँ, तो अब इंप्रूव करके मैं सभी कॉलेजेस पे रिव्यू वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, धीरे धीरे जितने भी कॉलेज है वेस्ट बंगाल में मैं सबको कवर करूंगा, ठीक है। और बहुत जल्दी आउट ऑफ वेस्ट बंगाल जो कॉलेजेस होंगे प्राइवेट, मैं उसको भी कवर करूंगा जी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसकी प्लेसमेंट के ऊपर। तो प्लेसमेंट इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज एक बार देखना, 44 LPA इसका हाईएस्ट पैकेज है। भैया ये ऑफ कैंपस है कि ऑन कैंपस, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इट इज ऑफ कैंपस, ठीक है। लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉलेज तो इसी, जो स्टूडेंट है वो इसी कॉलेज का है ना, तो पढ़ा तो इसी कॉलेज से होगा, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, जो भी आपके लैब्स होते हैं, असाइनमेंट, सब इसी कॉलेज का होगा आपका, ठीक है। तो 44 LPA ऑफ कैंपस है। ऑन कैंपस भी बात करो तो 18 LPA तक जाता है ऑन कैंपस भी, ठीक है। तो प्लेसमेंट बहुत ठीक ठाक है। एवरेज की बात करो तो 5.8 LPA 2022 का, ठीक है। अच्छा कौन कौन सी कंपनीज आती है आप यहाँ पे देख सकते हो, अमेजन है, ITC है, TCS है, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, IBM, सभी बड़ी कंपनीज, विप्रो, कैपजेमिनी, सब भी आती है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अच्छा कुछ और मैं प्लेसमेंट, चूंकि प्लेसमेंट भैया सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो थोड़ा जल्दी से और थोड़ा डिटेल बता दो ना प्लेसमेंट में। TCS इतने स्टूडेंट्स को लेके गई है, तो सबसे ज्यादा मेजर रिक्रूटर तो TCS ही है यहाँ पे। ITC देख सकते हो यहाँ पे, और मैं दिखाऊं तो यहाँ पे अदर्स भी मेंशन है, और भी कंपनीज 189 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, विप्रो देख सकते हो 21 स्टूडेंट्स लेके गई, ठीक है। तो बहुत अच्छा कॉलेज है यार हेरिटेज, बहुत अच्छा कॉलेज है। प्लेसमेंट के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है आपको वेस्ट बंगाल के अंदर, ओके। फैसिलिटीज की बात करो तो लैब्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे। अच्छा लाइब्रेरी मिलेगा आपको, और लाइब्रेरी में वाईफाई भी मिलेगा, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। हालांकि ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है केवल, लेकिन हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। हॉस्टल उतनी अच्छी नहीं है हेरिटेज कैसा माना जाता है, बट फिर भी हॉस्टल अवेलेबल है इसके अंदर, ठीक है। अब स्पोर्ट्स एंड फेस्ट के ऊपर बात कर लूं तो इसका एनुअल कल्चरल फेस्ट का आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे टेक्निकल फेस्ट देख सकते हो, ठीक है। अच्छा एनुअल कल्चर फेस्ट भी होता भैया, टेक्निकल फेस्ट भी होता, और टेबल टेनिस गेम, कैरम, चेस, सभी चीजें अवेलेबल है इंडोर गेम्स में। आउटडोर गेम्स की बात करें तो क्रिकेट, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्विमिंग मैनेजमेंट, सभी चीजें, मतलब जो पसंद होगा स्विमिंग करना उनके लिए भी बहुत अच्छा कॉलेज, ठीक है। बास्केटबॉल मिलेगा, वॉलीबॉल मिलेगा, फुटबॉल, क्रिकेट, सभी गेम्स अवेलेबल है हेरिटेज के अंदर, ओके। अब एट द एंड बात कर लेता हूँ प्रोस एंड कॉन्स के ऊपर। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप गूगल फॉर्म फिल करना है डायरेक्ट एडमिशन के लिए, तो करना ही करना अगर आपको चाहिए तो, लेकिन अगर आपको हम लोगों के द्वारा काउंसलिंग कराना है ना, तो सिर्फ उसका 199 प्राइस है, सिर्फ 199 हम लोगों ने रखा है। प्रॉपर आपकी काउंसलिंग होगी पूरे WBCE के दौरान, एक एक टिप्स आपको दिया जाएगा, कैसे चॉइस फिलिंग रखनी है, सभी चीजें नीचे आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसका आप जाके फिल कर सकते हो, ओके। चले मूव करता हूँ प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। तो ये कॉलेज भैया ना 10 एकड़ कैंपस साइज मैंने यहाँ पे बता दिया, 10 एकड़ का कैंपस साइज है, उतना बड़ा नहीं है, फिर भी कोलकाता के अंदर ये सबसे बड़ा है 10 एकड़, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस तो 3 एकड़ 4 एकड़ ऐसे हैं, तो ये कॉलेज फिर भी ठीक ठाक बड़ा है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। प्लेसमेंट इस कॉलेज की ठीक है, बहुत अच्छा है प्लेसमेंट, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी प्रो जो मुझे लगी, ठीक है, कि अदर प्राइवेट कॉलेजेस ने फी बढ़ा रखा है, IIM ने बढ़ा रखा है, टेक्नो ग्रुप ने बढ़ा रखा है, बट हेरिटेज 4 लाख के आसपास आपकी फी लेके 4 साल की बीटेक करा देता है, ठीक है। तो फी के मामले में कॉलेज बहुत सस्ता कॉलेज है। अब बात करें कॉन्स के ऊपर, तो कोर ब्रांचेस के प्लेसमेंट उतने सही नहीं है, ठीक है। कैंपस साइज उतना बड़ा नहीं है, 10 एकड़ है फिर भी ठीक है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है। और एक और मैं अगर यहाँ पे मेंशन कर दूं कॉन्स, तो हॉस्टल फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, उतनी अप टू दी मार्क नहीं है हॉस्टल फैसिलिटी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करना ये चैनल, क्योंकि WBCE पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल है ये आपका चैनल, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ाई करते रहो। कोई भी प्रॉब्लम होता है नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, या फिर हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए धन्यवाद।